मैं भी आऊंगा ओ इसको देख ले फुटेज खा रही है वो कह रही है कि वी वांट ओ बंदा डर गया ओए कॉर्नर सीट तो सारे भाइयों ने राम राम तो भाइयों कैसे हो आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए तो भाइयों अभी एक सीन हो चुका बहुत खराब अपने कॉलेज का कॉलेज क्या आंगनवाड़ी टाइप है बैंड की आंख इनकी कॉलेज वालों की भाइयों कॉलेज वालों ने हमारा कॉलेज चेंज कर दिया एक साल बाद ये भी बड़ा क्या हुआ भाई ये स्कूल है स्कूल उससे बड़ा स्कूल हमारे मतलब जो चेंज करा है ना ये मान लो वैसे तो हमारा कॉलेज पहले था ही जाट भाई डिब्बी का पर ये मान लो अब जो दूसरा चेंज कर दिया वो तो मान लो पूरा ऐसा कर दिया कि एक छोटे से घोंसले के अंदर जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो भाई अब हमारे बस की है नहीं पाजी क्या बात करनी है आज ये बताओ सीधी सी बात भाई सीधी सी बात बोलनी है हम इतनी ज्यादा फीस उस छोटी सी जगह में पढ़ने के नहीं दे सकते नहीं दे सकते हमारी शर्तें कबूल करो और हमें पहली बार उस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं कॉलेज क्या घर में नहीं पढ़ना क्यों राजे तो वैसे ही नहीं पढ़ते राजे भाई हमने बिल्कुल नहीं पढ़ना बैठ के टाइम जाना ही नहीं पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है और क्या तो भाइयों ये गलत बात है ये मानो मैं आपको पूरा सीन बताता हूं क्या हुआ भाई जब हमने एडमिशन लिया था तो हमने कॉलेज देखा था सेक्टर 3 वाला प्राइवेट कॉलेज था जिम्स का जेसीसी जिम्स भी नहीं है जेसीसी नाम है चलो हमने फिर भी इसको जिम्स मान रखा है तो हुआ क्या और भाई और क्या जिम्स मान ही रखा है हमने उसको मान ही रखा और क्या भाई हुआ क्या इन्होंने कहना मैं एक साल पहले हमारे ऐड ही मत कर यार हरकत तो इन्होंने करा क्या एक साल पहले हमारे को क्या नाम है इस कॉलेज में पढ़ाया जिसमें हम जा रहे थे उसके बाद एकदम से इन्होंने क्या नाम है ऑफिशियल हमारा ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पे उस पर इन्होंने मैसेज डाल दिया कि तुम भाई अब इस कॉलेज में नहीं आओगे तुम्हारा चेंज कर दिया गया है वो चेंज कॉलेज भी नहीं है वो घर में चेंज कर दिया उन्होंने तो वहां पे भेज रहे हैं तो भाई ये सारे के सारे भाई हो चुके हैं गुस्सा और कह रहे हैं सही कह रहे हैं बात कि भाई हम क्यों जाएं वहां पे क्योंकि ये हमारे से 72,500 लेते हैं एक सेमेस्टर की फीस तो हम उस घर में जाने के 72,500 क्यों दें दे तो दें क्यों क्यों भाई भाई या तो 20,000 रुपए फीस कर दो 100% अटेंडेंस चाहिए और जब भी जाऊँ तो गार्ड सैल्यूट मारता होना चाहिए भाई भाई तो भाई आज जा रहे गुस्से में मजाक से हट के ज्यादा होगा तो प्रोटेस्ट करना है और ऐसे ऐसे कर देंगे कॉलेज वालों की मजाक सड़ के बहुत जल्द गुस्सा आ रहा है पिटीशन फाइल कर देंगे जो करना हो कर देंगे बहस की टैग तो भाइयों भी देख सकते हो तो भाइयों देख सकते हो अपने सारे भाई बैठे यहाँ पे देखो हमारे साथ हमारा चिकनू भी बैठा है तो भाइयों देख लो ये जेड ब्लैक गाड़ी है गाड़ी का नंबर दिखाऊंगा अभी आपको चलान करा देना इस गाड़ी में जितने का हो सके चलान करा देना भाई जितने का हो सके तो भाई अभी आंगनवाड़ी ढूंढ रहे पहुंच चुके हैं कॉलेज से जो 6 किलोमीटर दूर भी कर दिया किराए के पैसे तुम्हारा बाप देगा भाई तुम्हारी अब भाई उस कॉलेज में तो नेटवर्क भी नहीं आता है आज भी नहीं ओ ये ले अब बैठ गए उनसे कैसे बड़ी तो भाइयों ये बताओ तुम्हें कॉलेज मंजूर है ये वाला ये देखना क्या कॉलेज है वहां से स्टार्ट होगी यहाँ पे खत्म है यहाँ पे मजाक सर क्यों जाएंगे इस कॉलेज में भाई ये पहले क्या था कॉलेज बुला रहा हूँ ओए ओए कॉलेज है और प्रतीक भाई क्या हाल है आवी एडी थूक दे ये कॉलेज है ये कॉलेज बैठ नीचे आओ ये प्ले स्कूल है वी वोट ओ बंदा डर गया वी वोट ओए नहीं गलत बात नहीं राजे गलत बात नहीं क्या हुआ लक्ष्य बोला नहीं कैमरा देखते पीछे हो रही कैमरा नहीं बोलूंगा बैठ बैठ खाली वी वोट ओए कॉपी येलो वाली ले अभी तो डॉलर ही नहीं आ रहा अभी आएगा भाई पीला गया क्या हाल है भाई क्या हाल है अभी ओए कोई ऐसा नहीं पड़ेगा भाई यहां पे प्रतीक भाई सिस्टम भाड़ देना पानी क्या हो गया भाई कौन से कोर्स कौन से बीटा ने ओए बोला ले भाई बाहर आ जाओ जितनी देखना भाई तुम्हारा भाई को कॉलेज में अंदर आने से हो रहे तुम्हारा भाई तो घुस के बाहर खड़े हैं सारे सारे
बताते अरे ब्लॉग भाइयों सबसे देखने देना कहाँ पे हैं। हेलो भाइयों सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकते हो भाई। ओए सारे सीआर चले गए, सीआर जान दे। ओए एडी दंगा नहीं। ओए सबर जो आयशा खड़ी यहाँ पे साइड 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 भाजी सांसद में खड़े हैं अबे। ओए ओए हाँ ओए भाइयों देख सुनो क्या भैया, मेरी गाड़ी का खड़ी होगी, मेरी गाड़ी बताओ अंदर आएगी ना बाग। तो हमने लागे भाई तुम्हारे भाई पे आज। भाइयों देख सकते हो सारे मेरे से मिलने के लिए आए हुए मेरे मीटअप के अंदर। कोई नहीं कोई नहीं भाई, सबको 50-50 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए वाली जनता है सारी सारी। ये तो 5 ही है भाई, 5 रुपए वाली जनता इधर तो देख ले। ओ सुक्कू तो भाइयों देखो यार ये बंदा जो है ना नमन, मैं इसकी आईडी डाल दूंगा, इसने फेस नहीं दिखाया तो पूरी आईडी। भाइयों इस बंदे ने आज तक कभी कॉलेज टाइम पे नहीं आया, पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे साथ टाइम पे आया। ये बोलता है भाईचारा लड़की रहा है, ये तो यार वो है ऑकवर्ड फील कर रहा है यार, ये तो शर्मा रहा है। अभी तो बब्बू मान भाइयों देख सकते हो और भैया क्या हाल है, कुछ नहीं हो देख सकते हो, ऐसी तैसी हो जाएगी ध्यान रखना। भाइयों देख सकते हो ये जो लड़की है ना श्रुति, ये इतना बोलती है चैट पे, यहाँ पे इसकी हिम्मत नहीं हो रही है हमारे सामने बोलने की। देखो छुप गई, भागे जा रही है, भागे जा रही है। इसको राव साहब का गाना अच्छा लगता है। तो ना पड़े पड़ेगा बैंड की चलो वापसी मिल जाती छोड़ने को, तूने इस सेमेस्टर की भी दे दी तो मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। ओए सबको एडी तरफ से मिल है मैगडी की, भाइयों सारे के साथ चलो मैगडी पहुंच जाओ M2 की एडी की तरफ से मिल है। ओए इसको देख ले फुटेज खा रही है, कहाँ ले जा रहा है श्रुति को, ओए देख श्रुति को लेके जा रहा है। वो जब तक नहीं बोलेगा तब तक श्रुति नहीं आएगा। देख लो देख सकते हैं बदतमीज एक लड़की को छेड़ रहा है, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। मैम 3 साल के कॉलेज में मैम ने एडमिशन तो ले लिया, मैम एडमिशन लेने के बाद दिक्कत ही हुई है मैम, 1 साल से पहले हमारे को इमेजिन एक्स में यहीं पढ़ाया है हम, उसके बाद हमारा एकदम से कॉलेज चेंज कर दिया। कॉलेज चेंज करने कह रहे हो सीधा, सीधा कह रहे हैं कि तुम इस कॉलेज में आ जाओ बिना कुछ पूछे। वो जो कॉलेज है ना ये मानो ये तो कॉलेज फिर भी थोड़ा बड़ा है, वो तो ऐसा है कि घर जैसा कॉलेज है बिल्कुल, प्ले स्कूल था वो पहले। हेलो और मैम एक्चुअली मैम हमारी कॉलेज में सबसे हाईएस्ट फीस है, और मैम एक चीज़ ये इन्होंने हमें ना पहले ये बताया कि हम कॉलेज का पार्ट नहीं है, इन्होंने बोला कि तुम BCC का पार्ट हो, फिर देन इन्होंने एकदम से कॉलेज चेंज कर दिया मैम, हम कैंपस ही चेंज कर दिया मैम। बताई हुई चीजें मलेशिया से बात करो वो भी नहीं दी गई है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी फीस थी वो फालतू ली है, इस बार भी हमसे फालतू ली है, प्लस हर चीज़ के चार्जेस लग जाते हैं, अब हमारी लेट फीस के चार्जेस लग रहे हैं, हम नहीं आएंगे तब भी हमें चार्जेस देने पड़ेंगे, और चार्जेस भी पर डे 1000 लगाते हैं ये। तो मैम प्रॉपर यो देख सकते हो टिकट बुक हो चुकी है, ऑनर सीट। तुषार भाई कैसा लग रहा है, वो तू क्यों मुंह छुपा रहा है, अच्छा तू तो दिखाने लायक ही नहीं बचा। ओए कॉर्नर सीट, देखिए कॉर्नर सीट पे बैठे पिक्चर देखने आए भाइयों, इन्होंने कुछ मेहनत नहीं करी, तुम्हारे भाई ने मेहनत करी है, बताओ श्रेय ने मेहनत करी है, पर मैं तो कुछ नहीं किया। बोलो ओके भाई, ओके बाय, चलो भाई चलो 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 भाई सिस्टम क्या हाल है भाई, ब्लॉग बना रहे भाई ले मेरे भाई सिस्टम कर दो।
ले भाई मेरा व्लॉग चालू हो ले भाई याद तो रिकॉर्डिंग जाती थी भाई ले आएंगे तो भाइयों अब थक चुके हैं बहुत ज्यादा तो कुछ खाना खाएंगे भाई आप भी आओगे समोसा खा रहे हो चीट डाइट मिठू भाई ये समोसा खाते हैं उसके बाद आपसे बात करता हूँ भूख लग रही बढ़ गई तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ था आज पूरा कॉलेज में आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ पूरा का पूरा तो गाइज हमारा ये बीबीए का कोर्स था ठीक है बीबीए डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन थी हमारे डिजिटल मार्केटिंग में इमेजिन एक्सपी से कोर्स था हमारा जो कॉलेज में था हमारे जिम्स में सेक्टर 3 जो प्राइवेट कॉलेज है उसके अंदर और हमारे कॉलेज में कहा क्या गया था कि जब हमने एडमिशन मतलब मैंने एडमिशन लिया था तो हमारे सर एक थे गुरु सिमरन वो काउंसलर थे तो अब वो चले गए अपनी भाग गया मतलब उनके साथ भी बहुत बेकार सीन हुआ बीच में बताऊंगा पूरा तो हुआ क्या था पहले कोर्स में जैसे एडमिशन लिया कॉलेज में तो ये हमने कॉलेज देख के लिया था कि चल कॉलेज से भी थोड़ा कॉलेज तो है छोटा कॉलेज था चलो कोई नहीं पर कैंपस लगता था कैंपस है तो एक साल पूरा इन्होंने यहाँ पे बर्बाद करवाया हमारा मतलब बर्बाद क्या कहूँगा मतलब पढ़ाया मतलब एक साल के अगर इन्होंने हमारे को यहाँ पे पढ़ाया एक साल पढ़ाने के बाद इन्होंने हमारे को कहा कि एकदम से हमारे व्हाट्सएप के ऑफिशियल ग्रुप पे एक मैसेज कर दिया कि अब से तुम्हारा कोर्स मतलब तुम्हारा चेंज कर दिया तुम्हारी मतलब ब्रांच का मतलब ब्रांच एक तरीके से दूसरे मतलब वो एक प्ले स्कूल है जहाँ पे हमारे को शिफ्ट करा गया है उसको कॉलेज में मतलब वो बना रहे हैं वो जो प्ले स्कूल है वो छोटा सा है इस कॉलेज जिसमें हम थे ना उससे मान लो मतलब कैसे बताऊँ एक अगर मतलब कैसे बनाऊँ कैसे बताऊँ मतलब 25% है मतलब उस कॉलेज का जिसमें मैं अभी तक जा रहा था तो उसका 25% है तो यार अब मानो जो हम फीस दे रहे हैं 72,500 जो मैंने आपको बताया था ब्लॉग के अंदर तो अब 6 महीने की फीस उस मतलब छोटे से घर के अंदर घर ही कहूँगा मैं तो उसको स्कूल भी क्या ही कहूँ स्कूल से भी मतलब प्ले स्कूल है तो प्ले स्कूल ही कह लो तो उसके मतलब प्ले स्कूल के अंदर जाने के इतने पैसे बनते नहीं है और कॉलेज है पहली बार तुम्हारा और ऐसे तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते मैंने कॉलेज में एडमिशन मतलब कॉलेज देख के लिया था ऐसे नहीं लिया था कि जब तुम्हारा मन कर गया तो तुम चेंज कर दोगे तो ये चीज़ है बहुत गलत तो आज यही बात हुई थी अब जो भी हुआ है कल देखते हैं जाकर कि कल क्या पर चलता है कल हमारे इमेजिन एक्सपी से मतलब जो फैकल्टी है ना सीनियर फैकल्टी आएगी मतलब वो बात करेगी तब तो पता चलेगा कि क्या सीन है क्या करना है और बाकी सब बच्चों ने यार एक चीज़ अच्छी करी थी सबने यूनिटी बनाई रखी और यूनिटी बननी जरूरी थी क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है ये हमारी गलती नहीं है कॉलेज वालों की गलती है तो बस यही है जो क्या नाम है कॉलेज के चेयरमैन थे हमारे जो दीपक सर वो बल्कि उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि जब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते तो इमेजिन एक्सपी वाले जो मतलब ये जो मतलब ग्रुप है इमेजिन एक्सपी का मतलब जो कोर्स जिससे हम कर रहे हैं तो ये वहाँ पे क्यों भेज रहे हैं तो वो मतलब सर भी बढ़िया है तो यही सीन था बाकी आज थोड़ा लफड़ा हो गया था मेरे से मतलब कॉलेज में हुआ क्या था मेरे को मतलब बात बात हो गई थी कुछ मतलब तो लड़ाई वड़ाई के चक्कर में तो मतलब चेयरमैन के पास लिखे थे सस्पेंड होने वाला था बस बच गया था अपॉलॉजी लेटर लिख के दी थी मतलब तो सब कुछ वो सीन तो छोड़ो चलो हो गया खत्म हो गया पर अभी मेन मुद्दा ये है कि कल पता चलेगा कि क्या होगा तो कल जो भी होगा आपको व्लॉग दिखाऊंगा व्लॉग आएगा और सोच रहा कंटिन्यू डालूं क्योंकि काफ़ी व्लॉग मेरे साथ पेंडिंग में पहले ही पड़े हुए हैं तो जो भी होगा जल्दी डेली डेली व्लॉगिंग हो सकता है डेली आए और बाकी डेली आएंगे तो फिर कभी कभार बीच में रह गया वरना फिर अपने व्लॉग आप डेली आने लगेंगे कोई दिक्कत नहीं कॉलेज के व्लॉग बनाए करेंगे जितना कॉलेज में होगा जितना घर पर होगा घर का बनाऊंगा ठीक है तो बस अगर व्लॉग अच्छा लगा व्लॉग को लाइक करना नींद आ रही क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि कल रात भी लेट सोया था और सुबह 7 बजे वैसे उठ गया था कॉलेज जाने के लिए तो रेडी हुआ था तो 8:30 तक निकला था तो कल भी कॉलेज जाना टाइम से अपना तो कल का व्लॉग स्टार्ट करूँगा सुबह अब व्लॉग को करता हूँ एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक करना चैनल पर सब्सक्राइब करना मिलते हैं चलिए नेक्स्ट व्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय।